नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के विरासत से परिचय कराना है। इन सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत स्थापत्य की भी हम लोग श्रृंखला बना रहे हैं और इस स्थापत्य के श्रृंखला में आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वो प्राचीन स्थापत्य के अंदर स्तंभ स्थापत्य, यानी स्तंभ जो है वह अपने आप में एक स्थापत्य का हिस्सा था, तो उसकी के बारे में हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह स्तंभ स्थापत्य क्या था। तो देखिए, अगर हम प्राचीन भारत में स्तंभ स्थापत्य की बात करें तो दरअसल प्राचीन भारत के पहले स्तंभ स्थापत्य जो है वह हम लोगों को ईरान में जो है वह देखने को मिलता है, यानी सर्वप्रथम ईरान में हमें 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में इसका निर्माण सबसे पहले विश्व में देखने को मिलता है, स्तंभों का निर्माण। भारत में इसका जो निर्माण हुआ है वह मौर्य काल के जो है वह अंतर्गत जो है वह देखा जाता है, और मौर्य काल में 3rd सेंचुरी BC के अंतर्गत में, इसका मतलब है आज से लगभग 2300 साल पहले। तो 2300 साल पहले मौर्य काल में स्तंभों का निर्माण जो हुआ, उस काल में चूंकि धर्म का प्रभाव हमेशा स्थापत्य पर रहा है, बावजूद उसके हम लोग यह देखते हैं कि जो भारत में स्तंभ स्थापत्य है वह एक धर्म निरपेक्ष स्थापत्य है, यानी इसमें किसी धर्म का प्रभाव जो है वह नहीं देखने को मिलता है। तो इस स्तंभ स्थापत्य में जो है वह क्या, आखिर अगर धर्म का प्रभाव नहीं है तो क्या है? तो एक्चुअल में जो मौर्य काल में स्तंभ स्थापत्य प्रारंभ होते हैं उसका उद्देश्य जो है वह प्रशासनिक है, वास्तव में एक राजाज्ञा को प्रसारित प्रचारित करने के लिए। तो हम लोग ये जो मैप देख रहे हैं, इस मैप में जो जितने भी ट्रायंगल हैं वो ट्रायंगल दरअसल जो है वह स्तंभों के अवस्थिति को बता रहे हैं। तो देखिए, स्तंभों की जो अवस्थिति है वो कहाँ कहाँ है ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो स्तंभों की अवस्थिति है ये मूल रूप से कुछ जो है वह अशोक काल के स्तंभों की अवस्थिति को हम लोग देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग यह देख रहे हैं कि ये जो है वह समाज के दूरवर्ती क्षेत्रों में, जो शासन का दूरवर्ती क्षेत्र है उस दूरवर्ती क्षेत्रों में राजाज्ञा के रूप में जो है वह देखने को मिलता है, यानी राजा जो है वह कैसे जो है वह लोगों को संबोधित करे, तो ये स्तंभों का जो है वह सहारा लिया जाता था। क्यों? क्योंकि कोई लिखित संविधान होते नहीं थे, तो स्तंभों पर जो है वह इंस्क्रिप्शंस जो है वह डाल दिए जाते थे। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा था। ये जो है वह अशोककालीन स्तंभ का जो है वह एक स्तंभ है, जिसे हम लोग वैशाली स्तंभ कहते हैं, यानी वैशाली बिहार में जो है वह यह प्राप्त हुआ है, तो यह वैशाली स्तंभ है। और इसमें जो इंस्क्रिप्शंस जो वह लिखे हुए होते थे, तो ये इंस्क्रिप्शंस जो है वह हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये जो है वह यहाँ पर हम लोग कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वह यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है वह लिखे हुए हैं। ये अलग अलग जो है वह भाषाओं और अलग अलग लिपियों में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में जो है वह सारे स्तंभ हैं, तो इसलिए जो है वह वहाँ भाषा और उनकी लिपियाँ जो है वह अलग अलग जो है वह अशोक के काल में हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसे जो स्तंभ हैं वो कहा जाता है, कुछ जो है वह जानकार या कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वास्तव में ये जो मौर्यकालीन स्तंभ हैं वो मौर्यकालीन स्तंभ ईरानी स्तंभ से प्रेरित थे। इसका मतलब है जो ईरान में स्तंभ बना वो पहले बना, वो 2500 साल पहले बना आज से, और जो मौर्यकालीन स्तंभ है वो 2300 साल पहले बना। तो इसका मतलब है मौर्य शासकों ने ईरानी स्तंभों को देख कर जो है वह उससे प्रेरणा लेकर जो है वह उसी का रेप्लिका बना दिया। तो आइए हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि जो है वह क्या है। तो पहली बात है कि जो मौर्यकालीन स्तंभ है वह एकाश्म प्रस्तर का है। एकाश्म प्रस्तर का मतलब है एक ही जो है वह पत्थर का बनाया हुआ। ये जो हमें 20-22 फीट की जो वह संरचना जो देखने को मिल रही है वह एक ही पत्थर का है, और जबकि ईरानी स्तंभ जो है वह प्रस्तरों का जोड़ होता है, प्रस्तरों यानी कि उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स जो है वह होते हैं। यानी कि ये स्तंभ है तो ये स्तंभ जो है वह एक ही पत्थर का है, ये पूरा स्तंभ जो है वह एक ही पत्थर का। और यहाँ पर जो स्तंभ जो है वह बनाए गए हैं, तो ये स्तंभ जो बनाए गए हैं तो इसमें अलग अलग जोड़ जो है वह हैं, ये अलग अलग जोड़ हैं। तो ये ईरान का है और ये जो है वह कहाँ का, तो ये भारत में मौर्य काल में। तो निश्चित है कि अगर एक ही स्तंभ का बना हुआ है तो इसका मतलब है कला के दृष्टिकोण से यह जो है वह काफ़ी संपन्न जो है वह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि एक ही पत्थर का, एकाश्म पत्थर का, एक पत्थर का इतनी बड़ी आकृति बनाना उस काल में तकनीकी दृष्टिकोण से यह उन्नत अवस्था को जो है वह बताता है। अब इसके बाद देखिए कि इसमें आधार का प्रयोग नहीं होता है, इसमें आधार का प्रयोग यानी इसके नीचे जो है वह आधार का प्रयोग है और यहाँ हमारा नीचे आधार का प्रयोग नहीं पाया जाता है। इस पे शीर्ष पर पृथक संरचना, यानी शीर्ष पर जो है वह यहाँ पर एक पृथक संरचना जो है वह मिलती है, और यहाँ पर जो है वह शीर्ष पर पृथक संरचना नहीं बल्कि यहाँ पर शीर्ष जो है वो भवन के साथ जुड़ा हुआ है। जो शीर्ष है वो भवन के साथ, ये सीलिंग के साथ जुड़ा हुआ था,
ठीक है, ये सीलिंग यहां पर जो छत है इस छत के साथ जुड़ा हुआ, और ये जो है वह स्वतंत्र संरचना के रूप में। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है कि इसमें अभिलेखों का प्रयोग किया गया है यहां पर, क्योंकि उद्देश्य क्या था, राजाज्ञा, जबकि यहां पर अभिलेखों का कोई प्रयोग जो है वह नहीं मिलता है। मैंने बताया कि यह स्वतंत्र कला के रूप में है, और ये जो है वह क्या है, भवन का हिस्सा, एक भवन के अंदर जो है वह यह बना हुआ जो है वह मिलता है। इसके बाद यह जो है सतह सपाट और पालिशदार हुआ करती है, जबकि यह जो है वह सतह नालीदार जो है वह हुआ करती है। आइए फिर से अब समझने का प्रयास करें, देखिए कि यह सतह जो है क्या है, सपाट है, सपाट है और पॉलिशदार, इसकी इसमें पॉलिश की गई है। तो पॉलिश का मतलब होता है कि एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर से घिसाई। तो आप सोचिए कि पत्थर से घिसाई की जो तकनीक थी वो 2300 साल पहले किया गया पॉलिश आज भी विद्यमान है, जबकि हम लोग यह देखते हैं कि हमारे घरों में मार्बल अगर लगे हुए होते हैं तो उसमें जो हम लोग घिसाई करवाते हैं, पॉलिश करवाते हैं, वह कुछ दिनों में, 10 सालों में, 15 सालों में उसके पॉलिश खराब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे जो है वह जो पत्थर वो ओपन स्काई में रखे हुए हैं, यानी इस पर धूप पड़ रहा है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी इसका जो पॉलिश का हिस्सा है वह आज भी चमकदार है। कई ऐसे स्तंभ हैं जैसे सारनाथ के स्तंभ, आप जो है वह सारनाथ के स्तंभ में जाकर जो है वह देखिए तो आज भी हमारी प्रतिछाया की आकृति बन जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि अब प्रतिछाया पूरी तरह नहीं बनती है, लेकिन प्रतिछाया की आकृति बन जाएगी, यानी किस आकृति का मानव खड़ा है यह जो है वह उस स्तंभ को देखकर पता चल जाएगा। तो ये जो है वह अपने आप में उस काल में आज से 2300 साल पहले हुआ पॉलिश आज भी अगर विद्यमान है तो यह हमारी बहुत ही उन्नत और श्रेष्ठ कला की ओर इशारा जो है वह करता है। यहां पर हमने बताया था कि ये सपाट है, इसमें कोई जोड़ नहीं है, तो यहां पर देखिए कि ये पूरा सपाट है और कोई जोड़ नहीं है, केवल शीर्ष पर का भाग जो है वह जुड़ा हुआ है, केवल शीर्ष का भाग जुड़ा हुआ है और कोई जोड़ नहीं है। जबकि ईरानी स्तंभ को जो है वह, ये भी जो है वह देखिए अशोककालीन स्तंभ है जो दिल्ली में है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, इसका शीर्ष ऊपर भाग जो है वह टूट गया है, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वह यहाँ लगाया हुआ है। ये जो है वह लुम्बिनी नेपाल में अशोक का स्तंभ है, इसका भी शीर्ष का हिस्सा टूट गया है। इसके बाद जो है वह ये वैशाली का, ये भी जो है वह वैशाली का ही है, तो ये वैशाली का एक दूसरा व्यू है जिसमें हम स्तूप के साथ जो है वह इस व्यू को देख रहे हैं। इसके बाद जो है वह अब ईरानी स्तंभ, ये ईरानी का रेप्लिका है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा मौजूद है, ये रेप्लिका बनाया हुआ है, अभी वर्तमान में उसका रेप्लिका बनाया गया है। तो अब रेप्लिका जो बनाया गया है, तो देखिए ये जो भवन है, इस भवन में जो स्तंभ हैं, इस भवन के जो स्तंभ हैं, ऐसे ही स्तंभ बनाए जाते थे, तो ये स्तंभ बनाए जाते थे और इसमें ये जो ये शीर्ष का हिस्सा है ये भवन का पाठ होता था, ये भवन का पाठ होता था, और ये नालीदार हुआ करते थे। नालीदार क्यों, तो इसमें भी एक अच्छी तकनीक ये थी कि यहाँ जोड़ हैं, लेकिन इस जोड़ को छिपाने के लिए, इस जोड़ को छिपाने के लिए इसमें जो है वह नालीदार बना दिया जाता था। तो नालीदार बना देने से जो है वह क्या है कि इसमें जोड़ जो है वह दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो है वह अपने आप में इस दृष्टिकोण से ईरानी स्तंभ जो भी अपने आप में एक अच्छी का, लेकिन ये क्या है कि ये जैसे ये भवन है, इस भवन में स्तंभ बने हुए हैं, तो यहां भी जो है ये भवन का ही हिस्सा, यानी भवन के अंदर स्तंभ बने हुए हैं, स्वतंत्र कला के रूप में हमें दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा, यहां पर देखिए कि कैसे जोड़ होते थे, तो इसी जोड़ को दिखाया गया है कि ये एक जोड़ है, ये जोड़ है, ऊपर का हिस्सा का जोड़ अलग है, ये बीच का जोड़ अलग है, ये अलग अलग जोड़ जो है वह हुआ करते थे जो ईरानी स्तंभ में हम लोग देखते हैं, और उनको एक नालीदार रूप जो है वह संरचना दे दी जाती थी ताकि जोड़ जो है वह न होने का भ्रम पैदा हो, इल्यूजन पैदा हो। अब अशोक के स्तंभ जो हैं उस पे जो शीर्ष की संरचना है, उस शीर्ष की संरचना अलग अलग जो है वह देखने को मिलती है। देखिए ये कुछ जो है वह हम लोग देखते हैं, कहीं पर एलिफेंट की संरचना जो है वह है, कहीं जो है वह ये जो चार फोर लॉयंस हैं जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है वो देखने को मिलता है, कहीं एक सिंह देखने को मिलता है, और कहीं जो है वह हमें जो है वह भैंसा देखने का, बैल देखने को भी मिलता है। आइए हम लोग देखने को प्रयास करते हैं कि अशोक के स्तंभ में कहाँ कहाँ क्या है। देखिए ये टॉप ऑफ पिलर में यहाँ पर एक लॉयन है अशोक के स्तंभ में, ये वैशाली से प्राप्त हुआ है। इसके बाद अशोक के स्तंभ में जो है वह ये फोर पिलर है, और ये जो है वह ये फोर लॉयन है, और ये जो पिलर है ये सांची से प्राप्त हुआ है, ये सांची से प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो है वह अशोक का स्तंभ जो है वह ये सारनाथ से भी प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है वह चार लॉयन है, ये चार लॉयन जो है वह ये सारनाथ से, और ये अशोक चक्र जो है यही हमारा जो है वह चिन्ह जो है वह है भारत सरकार का। और इसी में अब आप गौर करके देखिए, ये रामपुरवा,
यानी बिहार के रामपुरवा में। तो यहाँ पर ये एक एक जो है वह भैंसे का जो है वह चित्र है, ये स्तंभ का शीर्ष है। और ये स्तंभ के शीर्ष में जो विशेषता है वो देखिए, ऊपरी आकृति अलग अलग है लेकिन नीचे का जो पेटल्स है, ये नीचे का पेटल्स ये लगभग जो है वह सेम आकृति जो है वह रखता है। नीचे का जो पेटल्स है वो लगभग सेम आकृति रखता है। हम लोग इसमें भी जो है वह देखने का प्रयास करें, एक स्तंभ जो है वह यहाँ पे भी नीचे का जो पेटल्स है वो सेम आकृति देखने को मिलता है। सांची में भी जो है वह सेम जो है वह आकृति देखने को मिलता है। सारनाथ में भी जो है वह सेम आकृति देखने को मिलता है। रामपुरवा में भी सेम आकृति देखने को मिलता है, यानी उसके ऊपर का आकृति जो है वह में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। स्तंभ के निर्माण की कला यहीं तक जो है वह सीमित नहीं रही, स्तंभ के निर्माण की कला यहीं तक सीमित नहीं यानी मौर्य काल तक सीमित नहीं रही, बल्कि मौर्य काल के बाद भी आगे बढ़ती है। और मौर्य काल के बाद स्तंभ में जो है वह हम लोग देखते हैं कि जो मौर्योत्तर काल है, उस मौर्योत्तर काल में विदिशा यानी कि जो भोपाल के पास है, उस विदिशा में जो है वह हमें एक जो है वह मौर्योत्तर काल का जो है वह स्तंभ देखने को मिलता है। तो ये जो है वह हम हेलियोडोरस का स्तंभ देखने है। इस हेलियोडोरस के स्तंभ से ही जो है वह पता चलता है कि वह जो है वैष्णव धर्म को मान्यता जो है वह देता था, जिसमें जो है वह हम लोग इस स्तंभ को देखते हैं। इसके बाद यही नहीं बल्कि गुप्त काल में हमें चंद्रगुप्त द्वितीय का भी स्तंभ देखने को मिलता है, जो गुप्त काल में है, लेकिन यह स्तंभ लौह स्तंभ है। और यह लौह स्तंभ हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो यह लौह स्तंभ दिल्ली के मेहरौली में अभी स्थित है। हालांकि चंद्रगुप्त ने दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्तंभ नहीं बनवाया था, लेकिन यह कहीं से लाकर जो है वह दिल्ली के एक शासक अनंगपाल थे, उन्होंने जो है वह यहाँ पर लगा दिया था जब वह विष्णु मंदिर हुआ करता था, और बाद में इसी स्थान पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बन गया। तो आप अगर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का वीडियो देखेंगे तो उसमें इस स्तंभ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी दिया गया है। तो ये जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का, और उसके बाद जो है वह उसके बाद भी स्तंभ निर्माण कला भारत में समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसके बाद भी स्तंभ निर्माण कला गुप्त काल में मिलती है, जो भानुगुप्त यानी भानुगुप्त गुप्त वंश का शासक है, जो 510 एडी में, और उस जो है वह में जो इंस्क्रिप्शन जो वह लिखा हुआ है उसमें यह जो है वह एक सैनिक के पत्नी के सती होने की प्रथा जो है वह के बारे में चर्चा मिलती है। तो यह जो है स्तंभ जो है वह किसका है, तो यह भानुगुप्त का एरन स्तंभ है। लेकिन अब आप गौर करके देखिएगा कि गुप्त काल में स्तंभ जो आए, तो जो प्रस्तर के स्तंभ हैं, चाहे गुप्त काल के हों चाहे जो है वो मौर्योत्तर काल के स्तंभ हों, ये अशोक काल के स्तंभ से इनकी जो है जो उपस्थिति है कला के दृष्टिकोण से वो थोड़ी कमजोर जो है वह दिखाई देती है, जबकि अशोककालीन स्तंभ जो है वो ज़्यादा अधिक सशक्त जो है वह दिखाई देता है और कला के दृष्टिकोण से उन्नत दिखाई देता है। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।